नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ से रिलेटेड टॉपिक डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि छूट या बट्टा हम इसको बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मोस्टली हर एग्जाम में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज इसका हम फुल कॉन्सेप्ट और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। अंत तक अगर वीडियो में बने रहेंगे आप लोग तो आज के बाद इस टॉपिक से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले इसकी दो चार जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है इसके अंदर मिलेगा आपको एक अंकित मूल्य, ठीक है। क्या लिखा मिलेगा? अंकित मूल्य, ठीक है। एक हमें लिखा मिलेगा छूट, ठीक है। एक हमें लिखा मिलेगा क्रय मूल्य, ठीक है। और एक हमें क्या लिखा मिलेगा इसके अंदर? विक्रय मूल्य। क्या लिखा मिलेगा? विक्रय मूल्य। इनके बारे में हम हल्की सी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो अंकित मूल्य होता है वो सभी को पता है अंकित मूल्य क्या है, MRP रेट, ठीक है, जो वस्तु के ऊपर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि मार्केट जो प्राइस होता है उसके ऊपर ही हमें क्या मिलेगी, ध्यान रखना, हमेशा छूट मिलेगी। छूट मतलब छूट, जैसे कि आपको वस्तु के ऊपर 10% 20%, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपकी 500 रुपये की है, ठीक है, उस पर आपको क्या लिखा मिलेगा, MRP रेट लिखा मिलेगा, MRP बराबर 500, ठीक है। तो उस पर हमें छूट मिलेगी 10% 20% जो भी मिलेगी। तो ध्यान रखना, हमेशा जो छूट मिलती है दोस्तों किस पर मिलती है आप लोगों को? अंकित मूल्य पर, ठीक है। अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है, लिखित मूल्य भी कह सकते हैं और MRP भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमने आपको बताया छूट पर छूट, ठीक है। छूट क्या होती है आपकी, जैसे वस्तु के ऊपर 10% 20% की जो छूट दी जाती है, और छूट हमेशा किस पे दी जाएगी, ध्यान रखना आप, अंकित मूल्य पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? सभी को पता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या है आपका, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, वो क्या होगी आपका, विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो आपका क्या है, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर एक हमारे पास बेस फॉर्मूला है, या इसको हम ट्रिक भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस एक ट्रिक से लगभग आपके 70 से 80% क्वेश्चन निकलने वाले हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में अलग ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन लगभग जो क्वेश्चन निकलने वाले दोस्तों इस एक ही ट्रिक से निकल जाएंगे। ट्रिक क्या है आपके सामने, देखिए, अंकित मूल्य, ठीक है, हमने अभी बताया अंकित मूल्य क्या है, 100 माइनस छूट प्रतिशत, मतलब उसमें छूट दी जाएगी 10-20 जो भी है, बटे 100, ठीक है, और बराबर क्या करना आपको, क्रय मूल्य। इनमें जो भी चीज आपको लिखी मिले वो उसके नीचे डाल देना है। देखिए कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपए, ठीक है। 30% की छूट करने पर उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1000, तो अंकित मूल्य के स्थान पे हम डाल देंगे 1000 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे है 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो छूट कितनी दी गई है इसमें, 30%। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, हमेशा इस 100 में से माइनस कर देना, माइंड के अंदर ही 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 70, और बटे कितना आपका, 100, ठीक है। और बराबर हमें क्या निकालना है इसमें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम डायरेक्ट क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, इसको एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 10 और 70 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 700 रुपए, ठीक है। ये क्या है इस वस्तु का x, यानी कि क्रय मूल्य हम लिख देंगे डायरेक्ट इसको, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी जो वस्तु हमारे पास हमें मिली है जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपए है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हमें 30% की छूट मिलेगी तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों, 700 रुपए, ठीक है। तो चलिए इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5000 रुपए, एक दुकानदार ने उस पर 60% की छूट दी, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम ट्रिक रहने वाली हमारी, अंकित मूल्य कितना है इसमें, 5000, तो बस अंकित मूल्य के स्थान पर डाल देंगे हम 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट, छूट कितने परसेंट दी है, 60, तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 40/100, ठीक है, और इक्वल टू, यानी कि बराबर क्या निकालना हमें, क्रय मूल्य, इसके स्थान पर मैक्स मान लेंगे, हो गया क्वेश्चन। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, ठीक है, 50 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस वस्तु का, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि जो वस्तु हमें अंकित मूल्य में 5000 रुपए लिखा मिला है, ठीक है, और दुकानदार ने हमें छूट कितनी दी है, 60% की, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2000 रुपए रहने वाला है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 800 रुपये। ठीक है, कितना है? 800 रुपये। ध्यान रखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या मिला है? अंकित मूल्य। अब की बार क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो आगे देखिए, उस क्रय मूल्य पर एक व्यक्ति को 20% की छूट मिली थी। ठीक है, जो ये 800 रुपये हमें दिखाई दे रहे दोस्तों, जो हमारा क्रय मूल्य है, इस पर हमें कितने परसेंट की छूट मिली हुई है? 20% की छूट मिली थी। तो वस्तु का क्या निकालना हमें? अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हमारी सेम रहने वाली है, इसी ट्रिक से हम सभी क्वेश्चन निकालने वाले हैं। देखिए, अंकित मूल्य पूछा हमें, ठीक है, अंकित मूल्य हमारे पास नहीं है, तो अंकित मूल्य के स्थान पर हम क्या मान लेंगे? एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट। छूट कितने परसेंट की है यहाँ पे? 20%। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 80/100 आपका। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या निकालना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास दिया गया कितना? 800 रुपये। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए अब कैसे लिखेंगे, एक्स का मान निकालना हमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 800 तो हमारे सेम है। ठीक है, ये जो हमारा क्रय मूल्य है इसको सेम लिख देंगे, और जो एक्स के साथ है यहाँ पे 80/100, इसको हमेशा पलट के लिख देंगे। 80/100 है तो हम क्या लिख देंगे इसको? 100/80। ठीक है, कटिंग कीजिए, 10 से 10, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 यानी कि 10 बार कट जाएगा। ठीक है, 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका? 1000। ठीक है, कितना होगा? 1000। यही क्या हो जाएगा हमारा इस वस्तु का अंकित मूल्य। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000 रुपये इस वस्तु का क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य रहने वाला है। मतलब ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ पा रहे? सिर्फ एक ही ट्रिक को फॉलो करना है। इस ट्रिक में जो चीज़ हमें दी गई वो लिख देंगे, और जो चीज़ हमें नहीं दी गई उसके स्थान पर एक्स मान लेंगे। डायरेक्ट हम माइंड में ही कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन और दिखा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है हमने आप लोगों के लिए, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है? 500 रुपये। उस वस्तु पर 60% की छूट मिली थी, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें फाइंड करना है। सिंपल है, अंकित मूल्य निकालना है, तो उसके स्थान पर हम क्या मान लेंगे? एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट, छूट हमारे पास 60%, तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 40, और बटा कितना हमारे पास? 100। ठीक है, बराबर क्या है? क्रय मूल्य हमें दिया गया कितना? 500 रुपये। लिख देंगे यहाँ पे 500। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 500। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा? जो एक्स के साथ उसको हम पलट देंगे, 40/100 है तो इसको हम क्या लिख देंगे? 100/40। ठीक है, कटिंग कीजिए, देखिए 10 से 10 कैंसिल, 4 एकम 4 और 25 चौक 100। ठीक है, 50 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 5 125 और 10 यानी कि 1250 रुपये। ठीक है, पूछा गया है अंकित मूल्य बताइए, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रहने वाला है? 1250। यही क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, कितने रुपये में? 500 रुपये में। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये था, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या पूछा दोस्तों? छूट प्रतिशत। पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें छूट प्रतिशत हमें दिया गया है, या तो अंकित मूल्य पूछा गया था आपसे या फिर क्रय मूल्य। अब की बार क्या है? वस्तु हमें 500 रुपये में खरीदी हुई है। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा कितना है? 600 रुपये है, तो हमें निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है इसके अंदर? छूट प्रतिशत। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इसकी, क्या है? छूट, ठीक है, बटे अंकित मूल्य गुना क्या है? 100। ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, केवल हम आपको समझाने के लिए जो ट्रिक है ये लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। छूट बटे अंकित मूल्य गुना क्या लिखना है आपको? 100। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारी जो अंकित मूल्य है वो कितना रुपए है? 600 रुपये। ठीक है, ये क्या है हमारा? MRP यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, और जो वस्तु हमें खरीदी है वो कितने की? 500 रुपये की। ठीक है, कितने रुपए की? 500 रुपये की। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखेंगे छूट कितनी दी है, तो 600 में से 500 अगर हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 रुपये। यानी कि वस्तु है 600 रुपये की, हमने खरीदी कितनी है? 500 रुपये की। तो मतलब हमें कितने रुपए की छूट मिली यहाँ पे? 100 रुपये की। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत की ट्रिक क्या है? छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100। हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए, सबसे पहले क्या है? छूट। छूट कितने रुपए की मिली हमें? 100 रुपये की। हम ऊपर लिख देंगे 100 रुपये। ठीक है, बटे क्या लिखना? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है यानी कि MRP रेट कितना है? 600 रुपये। तो हम नीचे क्या डाल देंगे यहाँ पे? 600, और मल्टीप्लाई में क्या डाल देंगे? प्रतिशत के। सो हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए, 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल। ठीक है, 2 से कटिंग कीजिए यहाँ पे, 2 3 6। ठीक है, और 50 दूनी 100, तो यहाँ पे कितना होगा आपका? 50/3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारी क्या रहने वाली, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, यानी कि छूट प्रतिशत जो दी गई है वो कितनी हमारे पास? 16 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है,
दो बटे क्रम से 20% तथा 30% के हैं, ठीक है, उनके समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य मतलब क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर हमने पहले 20% का बट्टा दिया फिर 30% का बट्टा दिया, इन दोनों बट्टों के स्थान पे यानी इन दोनों छूट के स्थान पे हम एक ही छूट डाल दें, ठीक है, तो वो क्या होगी, इसकी समतुल्य बट्टा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार निकालते दोस्तों, जो ट्रिक हमने शुरुआत से अप्लाई की उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन भी निकाल लेंगे। ट्रिक सेम आपकी, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई में क्या है 100 - छूट प्रतिशत बटे 100 और बराबर क्या है क्रय मूल्य। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें केवल क्या दिए गए, यहाँ पे छूट दी गई है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे माना अंकित मूल्य, ठीक है, हमेशा आपको क्या माना है अंकित मूल्य, हमने मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये मान लिया, क्या मान लिया है 100 रुपये, ठीक है, बस इस ट्रिक में हमें अप्लाई करना है। देखिए अंकित मूल्य कितना हमारे पास 100, तो लिख देंगे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 - छूट, तो पहली छूट कितनी है 20, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है 100 में से 20 को माइनस करना, कितना हो गया 80/100, ठीक है। अब एक और छूट हमें दी गई है तो सेम इसी में अप्लाई करेंगे, 100 में से 30 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखते रहना आपको, ठीक है, तो 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 70/100, ठीक है। अगर इन दो बट्टों के अलावा और छूट दी जाए आप लोगों को, मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया जाए भाई 40% की छूट और दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 40 100 में से माइनस करेंगे 60/100, यानी कितने भी बट्टे दिए जाएं बस मल्टीप्लाई करना है ऊपर 100 में से माइनस और बटे 100, ठीक है, और बराबर में क्या आपका क्रय मूल्य, यानी कि एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ तक। तो चलिए आप देखिए 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल 1 जीरो, 8 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 56, ठीक है, क्या हो जाएंगे 56, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों ये 56 जो है ये हमारा समतुल्य बट्टा नहीं है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा क्रय मूल्य निकल कर आएगा हमेशा, ठीक है, क्या निकल कर आएगा क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमें क्या करना है समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, हमारा जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य हमने कितना मान रखा है 100, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा मान मिले हमें, जो भी क्रय मूल्य मिले वो इसमें से डायरेक्ट हमें माइनस करना है, ठीक है। अगर 100 में से हम 56 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 44, और यही क्या होगा हमारा प्रतिशत, यानी कि ये क्या रहने वाली है हमारी छूट रहने वाली है, यानी किसी वस्तु पर 20 और 30 के अलग अलग बट्टे देने की बजाय अगर हम एक बार 44% का ही बट्टा उस पर लगा दें या छूट दे दें तो वो क्या होगा, इन दोनों बट्टों के क्या होने वाला है दोस्तों, समान रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जो हम ट्रिक अप्लाई करते हैं उसी ट्रिक में इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी टाइप का, एक दुकानदार ने क्रम से 10% 20% के दो बट्टे दिए, ठीक है, तो उनके समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, जो ट्रिक हमने अप्लाई की है उसी ट्रिक में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए इसमें जो अंकित मूल्य है वो हमें कितना मानना है, मान लीजिए 100 रुपये हमने मान लिया इसमें, ठीक है, कितना 100 रुपये, बस इस ट्रिक में अप्लाई करना है, अंकित मूल्य के स्थान पे हम क्या डाल देंगे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 - छूट, तो पहली छूट कितने की है 10, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 90/100, ठीक है, दूसरी छूट कितने की हमारी 20% की, तो 100 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 80/100, ठीक है। अगर और छूट दी गई है तो 100 में से माइनस करेंगे, सेम इसी प्रकार के हम कंडीशन लिखते रहेंगे, ठीक है, और बराबर हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकलेगा यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 9 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 72, ठीक है, और ये 72 क्या हमारे पास हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, समतुल्य बट्टा, तो हमसे निकालते हैं जो हमने 100 रुपये मान रखे अंकित मूल्य, डायरेक्ट क्या करेंगे उसमें से इस 72 को माइनस कर देंगे, ठीक है, कितने को, जो हमारे पास यहां पर वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर 28, ठीक है, प्रतिशत, यही क्या हो जाएगा हमारी समतुल्य बट्टा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये था, ठीक है, एक दुकानदार ने उस पर दो बट्टे, एक 20% का तथा दूसरा कितना है 15% का दिया, तो वस्तु का हमें निकालना है क्रय मूल्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये, ठीक है, और उस पर दो बट्टे, बट्टे मतलब उस पर दो छूट दी गई है, पहली छूट 20% की और दूसरी कितनी है 15% की, तो एग्जाम ने आप लोगों से पूछा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सिंपल है। चलिए इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को भी हम निकाल कर देखते हैं। देखिए अंकित मूल्य कितना हमारे पास 5000 रुपये, तो अंकित मूल्य के स्थान पर हम डाल देंगे 5000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ तक मल्टीप्लाई में। 100 - छूट यानी कि पहली जो छूट वो कितने की है 20% की, तो डायरेक्ट 100 में से माइनस करके लिखना आपको, 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 80/100, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी छूट कितने की 15 की, तो 100 में से अगर 15 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 85/100, ठीक है, अगर और छूट दी गई है तो सेम इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में से माइनस करके लिख देंगे, ठीक है, और बराबर हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो इसके स्थान पर हम क्या मान लेंगे एक्स, ठीक है, बस डायरेक्ट इसकी यहीं कटिंग कर देंगे। देखिए 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 5 और 8 कितने हो गए 5 8 कितने हो जाएंगे 40,
ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं 85, ठीक है, और बराबर हमारा क्या है x, 40 और 85 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होने वाला है 3400, ठीक है, कितना होने वाला है 3400, तो 3400 क्या हो जाएगा रुपए, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहने वाला है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3400 रुपए। एग्जाम ने आपसे पूछा अंकित मूल्य कितना है किसी वस्तु का 5000 रुपए, ठीक है, उस पर दो बट्टे दिए गए, मतलब दो बार छूट दी गई, पहली 20% की और दूसरी कितनी है 15% की, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितने का होगा 3400 रुपए का, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो दोस्तों सिर्फ एक ही ट्रिक से हम सभी क्वेश्चन निकाल कर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एक दुकानदार 20% की छूट देता है, ठीक है, कितने प्रतिशत की 20% की, और 25% लाभ कमाता है, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 450 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जिस ट्रिक से हमने अभी तक क्वेश्चन देखे उसी ट्रिक से ये भी क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए हमारी ट्रिक क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 450, तो हम डाल देंगे 450, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट, छूट कितने प्रतिशत की हमारे पास 20, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 80, और ध्यान रखिए दोस्तों बटे हम क्या लिखते हैं 100, ठीक है, बटे हम क्या लिखते हैं 100, देखा होगा सभी पिछले क्वेश्चन हमने, लेकिन अब की बार इसने कहा 25% लाभ कमाता है, क्या कमाता है 25% लाभ कमाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो भी हमें लाभ दिया जाए नीचे हमारे पास डायरेक्ट 100 लिखा मिलेगा, सभी क्वेश्चन में पीछे हमने देखे हैं, बस उसमें क्या करेंगे लाभ हो या हानि हो, लाभ हो तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितने प्रतिशत 25% का लाभ हुआ है, तो 100 में अगर हम 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125, ठीक है, और बराबर हमें क्या निकालना है इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर हम क्या लिख देंगे x, क्वेश्चन 16 है, इसको हल करना है कीजिए, तो इसकी कटिंग कीजिए, देखिए 25 कितने हो जाएंगे 125, ठीक है, और ये कितने टाइम कट जाएगा 25 एकम 25, ठीक है, 20 हो गए 225 8 200, यानी कि 18 टाइम, ठीक है, इसको कटिंग कीजिए 5 एकम 5, और 16 5 कितने होते हैं 80, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 18 और 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 288, ठीक है, कितना हो जाएगा 288 रुपए, यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 288, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है, यानी हमारा जो अंकित मूल्य कितना दोस्तों 450 रुपए, ठीक है, जिस पर दुकानदार ने क्या की 20% की छूट दी और उस पर क्या कमाया इसने 25% का लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 288 रुपए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं, आज के बाद आपको डिस्काउंट से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।